क्या नाम है आपका और क्या पद है आपके पास? मेरा नाम हाजी यासीन कुरैशी, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी खुर्जा से नगराध्यक्ष हूँ। अभी जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चालू हो चुके हैं, हमारे बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में समाजवादी पार्टी से कितने लोग चेयरमैन पद की दावेदारी में हैं? हमारे यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय परचम लहरा रहा आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हमारे पास लगभग 5-6 लोगों के लिए 5-6 लोग बहुत मजबूती के साथ टिकट के दावेदार हैं। आप जो जो प्रत्याशी चेयरमैन पद के उनके नाम बताइए। हमारे पास शहजाद चौधरी हैं, जो कि जनरल सीट आती है हमारी, तो चुनाव लड़ेंगे। और ओबीसी के लिए हमारे पास नितेश यादव हैं, महिला सीट आती है ओबीसी महिला, तो उनकी पत्नी है साविर अंसारी हैं। वहीं हमारे पास एससी के लिए मुकेश वाल्मीकि और कुलदीप प्रधान हैं। अभी खुर्जा निकाय चुनाव जो होंगे उसके अंदर पार्षदों की भी सूची आरक्षण जो आने वाला है, तो इसमें कहां तक आपकी तैयारी है, किस तरीके से आप चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को सभासद पद के लिए उतारेंगे? हमारी पूरी तैयारी है, मेरे पास अभी तक 31 वार्डों में 50-60 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और सभी वार्डों पर समाजवादी पार्टी चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। आप खुर्जा में किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे? हमारा एक ही मुद्दा, विकास का मुद्दा। तो खुर्जा नगरी में क्या ऐसा कमजोरी आपको नजर आएगी जिसका आप विकास करेंगे? आप देख रहे हैं एक बसपा के चेयरमैन जो पिछले 10 साल से नगर पालिका पर काबिज हैं, वो कुछ भी नहीं करा पाए। शहर की जनता के लिए एक पार्क न बना सके, एक सामुदायिक भवन न बना सके, कोई ऐसा हमारे यहाँ पर्यटन स्थल नहीं है जो हमारे खुर्जा की नगरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तमाम विश्व से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन उनके लिए कोई खास विकास ये कर ना पाए। खुर्जा चुनाव क्षेत्र में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे 31 वार्ड बनाए गए हैं, तो क्या आपके सभासद प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, पूरे 31 के 31 उतारेंगे। अभी तक कितने लोगों का आवेदन आपके पास आया है? 8 लोगों का आ चुका है अभी तक हमारे पास, 10 के करीब। अभी देखने को मिल रहा है कि खुर्जा क्षेत्र में कांग्रेस की जो लुटिया अभी तक पार नहीं हो पा रही है, क्या वजह है इसकी? कांग्रेस की लुटिया भी पार होगी और अच्छा होगा, अब जो धीरे धीरे बढ़ रही है कांग्रेस अपने उस पर आ गएगा। लेकिन लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ कम नजर आ रहा है? कम नजर आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ही बदलेगा। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे ये सड़क सही हो, हमारी गड्ढे वड्ढे नहीं हो, और तुम्हारे सामुदायिक भवन हो, पार्किंग हो, सफाई सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो,